नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका गुप्ता.com में। और आज हम बनाने वाले हैं कच्चे केले के बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने कच्चे केले को उबाल लिया है। हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता, इन तीनों को मैंने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम केले का छिलका उतार लेंगे। तो केले का छिलका मैंने उतार लिया है। प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे ढेर सारा, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच बेसन डालेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मैच कर लेंगे। तो केलों को मैंने मसालों में मैच कर लिया है और हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। इसका हम बॉल बनाएंगे इस तरीके से। तो बॉल्स हमारे सारे बन चुके हैं। इसको फ्राई करने के लिए हम तेल गरम कर लेते हैं। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर, तेल डाला है, गैस को ऑन कर लेते हैं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, कोफ्ते को डालेंगे। सारे कोफ्तों को मैंने डाल लिया है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कोफ्ते जल जाएंगे और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसे लगातार हम धीरे धीरे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। कोफ्ते तो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब उसके लिए हमें ग्रेवी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मैंने प्याज लिया है एक बड़े साइज का, लहसुन है, अदरक है और टमाटर है। इसको हम पीस लेते हैं। तो प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने पीस लिया है और टमाटर को भी। जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वही तेल है बचा हुआ, उसमें हम डालेंगे तेज पत्ता। तेल हमारा गर्म है, जीरा डालेंगे और इसे चटकने देंगे। तो जीरा हमारा चटक चुका है, प्याज डालेंगे पिसा हुआ, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर है। सारे मसालों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसालों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। टमाटर की प्यूरी डालेंगे, नमक डालेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं। एक छोटी चौथाई चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को भूनने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही भुना हुआ होता है। पानी डालेंगे। तो मसालों में मैंने पानी डाल लिया है। हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि जब हम कोफ्ते डाल के पकाएंगे तो थोड़ा सा हमारा ग्रेवी जो है कोफ्ता सोखेगा। इस ग्रेवी को हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ग्रेवी हमारा पक चुका है, कोफ्ते को हम डाल लेते हैं। कोफ्ते डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे।
तो कोफ्ते बनकर हमारे तैयार हैं। गैस को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पत्ता। तो उम्मीद करते हो कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।